डभोई जयसवाल पार्टी प्लॉट में डभोई धारासभ्य शैलेष मेहता सन्मान समारोह आयोजन कर डभोई विधानसभा चूंटणी में जंगी बहुमती साथ विजय मेळवी डभोई राजकारण में इतिहास सर्जनार शैलेषभाई मेहता डभोई जयसवाल पार्टी प्लॉट खाते भारतीय जनता पार्टी होद्देदारों तेमज कार्यकरों द्वारा सन्मान समारोह राखवामां आव्यो हतो। डभोई विधानसभा बैठक पर 21,000 मतों मार्जिन थी विजय थी। भारतीय जनता पार्टी डभोई में हेट्रिक करता सतत 3 टर्म थी जीती डभोई में इतिहास सर्जो छे। तेमज भारतीय जनता पार्टीए डभोई बैठक पर रिपीट करता शैलेष मेहता पर विश्वास व्यक्त करता डभोई में चूंटणी मैदान उतरिया था। जे विश्वास पर खरा उतरता शैलेष मेहताए प्रचंड जीत हासिल करी डभोई विधानसभा में भगवो लहरावता डभोई खाते आज रोज सन्मान समारोह राखवामां आव्यो हतो। आ प्रसंगे प्रदेश महामंत्री तेमज माजी सांसद भरतसिंह परमार, वडोदरा जिला कार्यकार प्रमुख डॉक्टर बी जे ब्रह्मभट्ट, वडोदरा जिला शिक्षण समिति चेरमेन अश्विन वकील, तालुका प्रमुख दिनेशभाई पटेल, शहर प्रमुख डॉक्टर संदीप शाह, महामंत्री डॉक्टर महेन्द्रभाई शाह, सुखदेवभाई पाटणवाड़िया, तालुका पंचायत प्रमुख लोपाबेन पटेल, उप्रमुख यज्ञेशचंद्र ठाकुर, डभोई नगरपालिका प्रमुख काजलबेन, उप्रमुख एमएच पटेल, डभोई शहर महामंत्री अमित सोलंकी, वंदन पंड्या सहित मोटी संख्या में कार्यकरो, होद्देदारों तेमज कार्यकरो उपस्थित रही धारासभ्य शैलेष मेहता नो सन्मान करवामां आव्यो हतो। भारतीय जनता पक्षना उम्मेदवार तरीके डभोई विधानसभा में सतत बीजी वार जीत मिली छे। अहींयानी जे लोकवायकाओ हती के सतत बीजी वार कोई उम्मेदवार जीतता नथी ए तमाम लोकवायकाओ खोटी पाड़ीने लोकोए अत्यार सुधी में सौथी वधु मते कोई उम्मेदवार डभोई विधानसभा में जीत्यो छे तो मारी जीत थई छे। अने एना कारणे आजे भारतीय जनता पक्षना डभोई नगर अने डभोई तालुकाना आगेवानों द्वारा आज आ अभिवादन समारंभ राखवामां आव्यो हतो अने एमां मोटी संख्या में डभोई नगर अने डभोई तालुकाना आगेवानों, कार्यकरो, शुभेच्छको तमाम उपस्थित रह्या अने जे रीते सन्मान कर्युं छे ए बदल ए तमामनो जाहेरमां आभार मानुं छुं। जे रीते जीत अपावी छे, ज्यारे मोटी जीत जाय छे त्यारे आपणी जवाबदारी पण वधे छे। એ જવાબદારીના નાતે હવે ડભોઈને દર્ભાવતી બનાવવા માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી જે વિકાસના કામો થતા હતા એ કામો હવે ડબલ ગતિથી થશે। ડબલ એન્જિન સરકાર પણ છે ત્યારે સરકારમાંથી ગ્રાન્ટો લાવીને વધુમાં વધુ ડભોઈ નગર, ડભોઈ તાલુકા અને વડોદરા તાલુકાના જે ગામોનો વિધાનસભામાં સમાવેશ થાય છે એને ન્યાય અપાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને સમતોલ વિકાસ થશે। ભારતીય જનતા પક્ષનું જે સૂત્ર છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એ રીતે તમામને સાથે રાખીને વિકાસના કામો કરીશું। જે લોકોએ પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે એના નામો અમારી પાસે મંગાવ્યા છે, છતાં મેં જાહેરમાં કીધું છે કે મારે કોઈ નામ આપવાની જરૂર નથી। સમા વીરસ્ય ભૂષણમ એ ન્યાયે માફી આપી એ જ વીરતાનું પ્રતીક છે, ત્યારે હું તમામને સમા આપું છું, માફ કરું છું, પણ પક્ષની સાથે વફાદાર રહેવું જોઈએ એવી એમને વિનંતી પણ કરું છું।